तो सोनी को आपने कैसा पाया? इधर उधर की चीजें दिखाए ना, वो एंज फोकस करते हैं ना, बा एंज खाना तो खाया है आपको पता है खाना ये एक ऐसी जगह से खाना खाए हैं मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो फूड इन फोकस, इसको पीछे करें तो फेस इन फोकस, और पीछे हो जाए तो सारा कुछ जो भी एरिया है वो फोकस में आ जाएगा। आज का दिन फिर प्रिपेयरिंग के नाम और चिलचिलाती बिलबिलाती धूप है और हम जा रहे हैं जनाब। एडिटिंग मशीन की LCD है, उसको हम जो है वो रिपेयर करवाने जा रहे हैं। 2-3 बार उसमें पटाखे बजे थे तो मैंने उसको बॉदर, हाँ लिटरली पटाखे न्यू ईयर पे, तो अब मैंने कहा उसको चेक करवा लें। जब स्टार्टअप पे ना उसकी जो लाइट है वो डिम होती है, डिस्प्ले डिम होता है और फिर सेट हो जाता है, तो मैंने कहा एहतियातन उसको चेक करवा लें बजाय इसके कि ज़्यादा नुकसान हो। मतलब वो एडिटिंग मशीन का मतलब वो मेन एक मॉनिटर होता है जिस पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करके वीडियो एडिट करते हैं, तो वो तो सर बहुत ज़रूरी है। सर चलें फौरन चलें। चैलेंज बहुत सारी चीज़ों में ये माशाल्लाह सीनियर हैं, यूट्यूबिंग में और सोशल मीडिया के हवाले से, जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कह लें काफ़ी एक्सपोजर है मुजाहिद भाई का। तो लेकिन ये है कि एक चीज़ इन्होंने भी बेसिकली सीखी है, जो कैमरा के हवाले से मैंने एक चीज़ किया तो वो कह रहे हैं जी मैं आप पे डिपेंड करके एक डिसीजन ले रहा हूँ तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो आप मुझे बताएं आपको कितने चांसेस लग रहे हैं कि गलत हो जाएगा? मुझे कोई भी चांसेस नहीं लग रहे गलत होने के, असल में बजट से मैं डर रहा हूँ कि बजट लग जाएगा मेरा। चले भाई हाथ ही ला दे। MM 1.4 मशहूर ज़माना लेंस है जो मिररलेस कैमराज में यूज़ होता है, स्पेशली सोनी के लिए, और कैनन के जो मिररलेस कैमराज कुछ आए हैं M50 वगैरह उनके लिए ये यूज़ होता है। और इसका बोका कमाल का है, लो लाइट कमाल की है। अभी मैं देखता हूँ किसी लो लाइट की सीन, मेरा ख्याल है मार्केट में जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर वहाँ पर लो लाइट होगी। ऑफिस के अंदर जाएँगे या किसी शॉप के अंदर जाएँगे तो लो लाइट का एक्सपीरियंस भी आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि मेरी आर्म लेंथ पे है ये जो भी आपको नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेच भी मैंने आर्म को नहीं किया हुआ और काफ़ी ज़्यादा पीछे फील्ड ऑफ व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो इसको आप एक गुड व्लॉगिंग लेंस भी कह सकते हैं क्योंकि 16mm इज़ बेसिकली वाइड इनफ, अल्ट्रा वाइड नहीं है, अल्ट्रा वाइड की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप इसको मोबाइल के साथ कंपेयर करें तो मोबाइल तो डेफ़िनेटली पॉकेट से आप निकालते हैं और शूट करते हैं और इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो आपको नहीं अगर ये क्वालिटी और ये बोका चाहिए तो उसको लिए इतना तो आपको वेट उठाना पड़ेगा। और जब आपको क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। तो मेरा ख़्याल है ये इतना बड़ी चीज़ नहीं है। और सेल्फ़ी शॉट्स जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं लेते, कभी कभार लेते हैं जब इस तरह की आप वॉकिंग स्टाइल में जाते हुए बात करते हैं तो तभी आप इस तरह के शॉट्स भी लेते हैं। आज का जी पूरा जो व्लॉग है ये इसी लेंस पे होगा और इसमें कुछ शॉट्स जो हैं आपको आईफोन से नज़र आए होंगे, उसके अलावा बाकी सारा ये व्लॉग इंशाल्लाह इस पे होगा। बड़े लेंस मज़े, वो आप देख रहे हैं जनाब पीछे LCD स्क्रीन पड़ी है, पड़ी नहीं बल्कि सो रही है, उसका चेकअप करवाना है और उसको थोड़ी ब्लिंकिंग श्लिंकिंग करती है मेरा ख्याल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो हमारा ये वाला जो वीक है ना ये बेसिकली एक रिपेयरिंग वीक चल रहा है, तो जिसमें चीज़ें जो है ना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डेली बेसिस पर जो हम यूज़ करते हैं उनकी रिपेयरिंग के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट चल रहा है ये, और काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं हमारी डेली बेसिस की तो वो सेट हो रही हैं, तो इसलिए जो चल रहा है वही आपको दिखा सकते हैं। अभी तो देखें ये चल रहा है, गधे साइड पे हो जाओ। किन की शॉप पे जाना है कुछ बताएं ज़रा हमारे ऑडियंस को, ताकि आपका फेस भी दिखाएं ना इस लेंस में, ताकि आपको भी थोड़ी टेम्पटेशन होगी मैं भी आ गया हूँ इसमें। हम जा रहे हैं मकसूद इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो कि टेलीविज़न में बहुत नाम है उनका बिहाड़ी में। ओके तो उनको हम चेक करवाएंगे इसको और बाकी देखते हैं वो कितने टाइम में हमें वापस देते हैं।
कोशिश तो है कि अल्लाह करे कुछ ज़्यादा इसमें फॉल्ट ना हो। दो तीन बार इसने वाकई लिटरली पटाखों की आवाज़ आई है इसमें से, लेकिन अभी ये चल रही है बंद, अभी पूरी तरह से बर्न नहीं हुई, जली नहीं है। तो देखते हैं कि अल्लाह करे कोई छोटा मोटा ही इसमें हो, दो घंटों का ही वादा लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकते, काम बहुत होता है, आपको पता है एडिटिंग का। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो सोनी को आपने कैसा पाया? आप मेरे जिले से? हाँ नहीं नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए, बड़ी सेंसिटिव सी बात है। आपको पता है कि सोनी तो ड्रीम बन गया, ये जिससे शूट कर रहे हैं ये तो मेरा ड्रीम कैमरा बन गया है। ऑब्वियसली सर, ये मेरा भी ड्रीम कैमरा ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में है, और ये लेंस बड़ा कमाल लेंस है, और आप देख रहे होंगे थोड़ी बहुत प्रो लुक तो आ रही होगी यार, ये अब बात तो है ना है। इस पर अगर हम 4K वर्क फ्लो में जाएंगे तो फिर तो बम्बॉस्टिंग किस्म का एक वो चीज़ बनेगी। तो खैर, बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो बाकी जाके मकसूद इलेक्ट्रॉनिक्स में गया हूँ, मेरा उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। इब्राहिम ने जो एक बल्ला मारा था LCD को दड़ाल, तो LCD तोड़ दी थी, तो उन्हीं के पास हम गए थे और उन्हीं से फिर हमने जो रिपेयरिंग वगैरह की डील हुई थी। उनका बड़ा नाम है और आप ज़रूर उनको विज़िट करें अगर किसी की LCD विहाड़ी सिटी के अंदर ख़राब हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें हैं, सर्विस की बड़ी अच्छी शॉप है, तो वो बड़े एक रिकग्नाइज किस्म के वो जो है ना बंदे हैं। ये मुजाहिद साहब हैं, ये मैं हूँ, ये ट्रैफिक है और ये है 16 mm 1.4। अच्छा, ये ना दो दिन पहले मैं कह रहे थे पटाखे की आवाज आई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जी एजाज साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने 5 बजे तक का टाइम दिया है। बड़ी बात है यार, 5 बजे तक का टाइम दे दिया उन्होंने, ऐसे तो तल्लुक नहीं बनाए हुए ना पुराने तो बड़ी बात है। 5 बजे जनाब, वो मुझे पता है 100% सेट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, उन्हें नुक्स का पता भी चल गया। क्या उन्होंने बता दिया, मैंने उनको बताया ना कि ऐसे हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे हो जाएगा। वापिस आ रहे हैं जनाब, LCD दे दी है शॉप के अंदर। आपने लो लाइट्स के जो देखे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस कैसी है। आपको सर भी अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके पास कौन सा लेंस है, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। तो सर फिर मेरा मशवरा तो सही होगा ना। कुछ थोड़ा सा मोनोटोनस टच है लेकिन लेंस नया है, जगह वही हैं, हम भी वही हैं। जो नया है वो लेंस है और होटल भी पुराना है, चाय भी पुरानी है, इनके वेटर भी पुराने हैं, लेकिन यार एक्चुअली लेंस नया है। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का सर, सही था। मैं और सर खाने खाने खा लिए लें जनाब, काफ़ी गर्मी है। अच्छा, इस कैमरे और लेंस से ना ये मज़ा है, इधर उधर की चीज़ें दिखाएं ना, वो एंज फोकस करते हैं ना, बस एंज। सर आप भी आ जाएं इस कॉम्बो पे, आप आएंगे इस कॉम्बो पे? बहुत जल्द कोशिश तो कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस कॉम्बो पे आ जाएं। दैट्स ग्रेट, देखते हैं क्या होता है। वेटर का इंतज़ार है, जैसे ही आता है तो हम फिर अगला। गर्मी बहुत है यार। सर आपने चाबी कहाँ फंसा दी है? ये इधर सेफ प्लेस पे है, ये गिरेगी नहीं अब कहीं भी, कहीं नहीं आएगी ये कहीं नहीं आएगी। यार पंखा तो लगाओ यार, इतनी तो गर्मी बहुत है, चलाना पड़ेगा। कार यहाँ जाती 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 यहाँ पे आ गई है, चले गए यार। बात सुन लो यार, आपकी तो यार शक्ल ही सारी ब्लर हो गई है।
तो फ़ैन चला लिया है और हम यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। तो सर चाय चलेगी या कुछ आप चाय लेंगे सर? कुछ खाएंगे भी? खाना तो खाया है आपको बताए खाना ये एक ऐसी जगह से खाना खाए हैं मैं आपको बता ही नहीं सकता। एनीवेज अभी चाय चलेगी, पानी शानी पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। हमारा ना कोई बंदा भी बात नहीं सुन रहा, शहजादे हैं सारे। ये बेसिकली ना जो एक टेक्निक्स होती हैं शूट करने की उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ बैठे हैं हम। लाइट सोर्सेज इधर बिल्कुल बेहतर नहीं है, इस साइड पर लाइट आ रही है तो कैमरा इस साइड पर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लेंस को भी रिव्यू कर रहे हैं कि ऑड प्लेसेस पे भी रख के आप इसे कितना अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं, तो खैर बातें मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो। जो जिन लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक इस वजह से किया है कि इस लेंस का थोड़ा सा रिव्यू कर लें, तो मैं हर जगह पे कैमरा एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। और इस लेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती फोकसिंग के मामले में। ये देखिए मेरा हाथ कैसे फोकस करेगा, ये देखें, और कोई मसला नहीं है, फेस फोकस हो। अगर आपने फूड रिव्यू करना है तो ये लेंस बेस्ट है। आप फूड के बिल्कुल करीब ले जाएं ऐसे करके तो फूड इन फोकस, इसको पीछे करें तो फेस इन फोकस, और पीछे हो जाएं तो सारा कुछ जो भी एरिया है वो फोकस में आ जाएगा। तो फोकस का जो अल्टीमेट एक चीज़ है ना वो सोनी और इस लेंस का कॉम्बो है। बाकी अगर सोनी का ही नेटिव लेंस यूज़ करें तो वो तो क्या ही बात है, उसके बारे में तो भाई हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम यकूब साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलें जी। माशाल्लाह यकूब साहब जनाब यहाँ पे हैं, ये ओनर हैं इसके, इसका भी व्लॉग हमने बनाया हुआ है प्रॉपर। यहाँ पे खाना खाया था जो मुजाहिद साहब के साथ पहला व्लॉग, मुजाहिद साहब डायरेक्टर थे उसके। ये एक बड़ा अच्छा टिकटॉक आया जी सर। मीठा कम होना चाहिए चाय में, दो चाय मीठा कम अभी आ रही है। चीयर्स। अब किससे बात नहीं करनी, लेंस नया आ गया है, अब कुछ ज़्यादा फ्री होने का नहीं है। अब बहुत अच्छे तरीके से डिग्निफाइड तरीके से हम व्लॉगिंग करेंगे और अब लोग हमसे लिफ्ट मांगेंगे, हम लिफ्ट कम करवाएंगे। पहले किट लेंस होता था उसमें हम ज़्यादा लिफ्ट कराते थे। ये सामने देखें, ये मेरा ख्याल है मुल्तान रोड पर बिहाड़ी गेट बनाना चाह रहे हैं, यहाँ मेरा ख्याल है उसी तरह का कुछ है। वेलकम टू बिहाड़ी, वेलकम टू बिहाड़ी लिखेंगे, क्योंकि जब भी कोई आता था तो कोई वेलकम ही नहीं करता था।